जी, तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है, उस मेरिस्टमैटिक टिश्यू को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू का हमने अभी डिस्कस किया है कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू को हमने किस में डिवाइड किया, तीन टाइप में डिवाइड किया था, है ना? नहीं, लोकेशन के बेसिस पे हमने इसको रैम और सैम बताया था, यस ना? अभी हम जो फिलहाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सिंपल टिश्यू की फर्स्ट टाइप मेरिस्टमैटिक टिश्यू कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम बताया था, यस ना? तो मेरिस्टमैटिक की जो फर्स्ट देख रहे हैं वो सैम है और रैम एरिया। सैम इन शूट एपिकल मेरिस्टम और रैम इन रूट एपिकल मेरिस्टम। तो जो सैम एरिया है, जिसमें जो शूट के अपेक्स पे होता है, जिसकी वजह से लीफ प्रोमोडिया बनते हैं, जिसकी वजह से नई नई लीफ बनती है, वहाँ पे फ्लावर बनते हैं, नई नई बर्ड्स बनती है ना, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो ये वाला जो ऊपर वाला, अगर हम किसी प्लांट के बिल्कुल टॉप से देखें तो बहुत हरी हरी कच्ची कच्ची लीफ जो हमें दिखती है वो रियल में लीफ प्रिमोर्डिया होता है, वो सैम एरिया होता है। वहां से लीफ भी बन सकती है, वहां से फ्लावर भी बन सकता है, कोई भी नई बड बन सकती है वहां से, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पर अगर माने कि ये पार्ट जो है वो लीफ को ओरिजिनेट कर रहा होगा, इसके नीचे ट्यूनिका होता है। ट्यूनिका नाम कहाँ से आता है? ट्यूनिका, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी से आता है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो सैम एरिया है वो, उस पे दो ही लेयर होती है, एक ट्यूनिका होती है और एक कॉर्पस होती है। यही जाकर के पूरे नए 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 पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट को बनाती है। तो इसमें टिप वाली जो जोन होती है, ये वाली जो जोन, इसको ट्यूनिका बोलते हैं। इसके नीचे कॉर्पस होता है जिसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है? कॉर्पस के अंदर कोर्टेक्स भरा हुआ होता है, जिसकी सेल जो है आगे जाके देखिए डिफरेंशिएट हो जाती है। इसके नीचे ये वाला जो है वो मेरिस्टमैटिक जोन है, लेकिन नीचे सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं और अलग अलग तरह की सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोकैम्बियम बन गया। प्रोकैम्बियम का मतलब जो आगे जाकर के जाइलम एंड फ्लोएम को ओरिजिनेट करेगा, यस। और इसके बीच में हुआ है ग्राउंड मेरिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टम का मतलब जो आगे जाकर के फिर डिफरेंशिएट होकर के किसी भी अलग तरह की सेल्स को बना सकता है। तो ये है सैम एरिया। सैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम, विच कैन गिव राइज टू द लीफ प्रिमोर्डिया, अ बर्ड, एनी टाइप ऑफ द फ्लावर और एनी टाइप ऑफ द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्लियर? एंड दैट इज मेड अप ऑफ द टू लेयर, ट्यूनिका एज वेल एज द कॉर्पस। ट्यूनिका जो होती है वो किसको बनाती है? एपिडर्मिस को बनाती है, यस। और जो कॉर्पस है वो अंदर का मेरिस्टमैटिक सारा का सारा जो टिश्यू होता है उसको बनाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोकैम्बियम दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर ग्राउंड मेरिस्टम दिख रहा है। प्रोकैम्बियम जो है वो आगे जा करके डिफरेंशिएट ओके जाइलम एंड फ्लोएम को बनाने वाला है, क्लियर भाई? नीचे जो दिखा रखा है मैंने डायग्राम वो है रैम एरिया का, रूट एपिकल मेरिस्टम का। रूट एपिकल मेरिस्टम का अगर हम सेक्शन काट करके स्टडी देखें तो एवरी रूट इज कवर्ड बाय ए रूट कैप, यस। रूट कैप के अलावा वही प्रोकैम्बियम ऊपर है, प्रोकैम्बियम यहाँ पे है ना। इसके अलावा ये वाला सेम वही ग्राउंड सब्सटेंस होता है और इस ग्राउंड सब्सटेंस को यहाँ पे पिथ बोला जाता है, इट्स क्लियर बेटा? या ये जो कंप्लीट कोर्टेक्स भरा हुआ है, मैंने उसको ऊपर बताया था कि ये कोर्टेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने लिख भी दिया कि इट इज ए कोर्टेक्स, यस। प्रोटोडर्म वही होता है जो आगे जाकर के एपिडर्मिस को बनाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्यूनिका नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर सिंपल हम क्या देते हैं इसकी, इट इज ए प्रोटोडर्म, ओके बेटा। क्यूसेंट सेंटर के अंदर कुछ ऐसी साइलेंट सेल्स होती हैं जो अनवांटेड डैमेज हो जाए तब जा करके वो एक्टिव हो जाती हैं और वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब क्यूसेंट सेंटर में ऐसी सेल होती हैं जो इमरजेंसी के टाइम ग्रो करके किसी भी पार्ट को ओरिजिनेट कर देती हैं, क्लियर भाई? और नीचे आपको रूट के ऊपर रूट कैप की सेल्स दिख रही हैं, और रूट कैप जो होती है वो रूट को डैमेज से बचाती है और अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है, क्लियर बेटा? तो मेरिस्टेम के दो पार्ट है, सैम एंड रैम एरिया हमने कर लिया है। इसके अलावा जो है हमारा वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, एपिकल का हो गया। अब अगर मैं मेरिस्टमैटिक सेल्स की कुछ आपको क्वालिटीज बताऊं कि मेरिस्टमैटिक सेल्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, वो कैसे हर एक अलग अलग तरह की सेल्स को डिवाइड करती है, इतना फास्ट डिवाइड कैसे करती हैं, तो मेरिस्टमैटिक सेल की हर एक के पास एबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करती है और डिवाइड करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके पास रिजर्व्ड फूड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, उसमें रेट ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा उसके अंदर हॉर्मोन जो होते हैं
लाइक ऑक्सिन एंड जिबरलिन वगैरह, उसका लेवल भी ज़्यादा होता है। वो स्मॉल एंड इमेच्योर सेल्स होते हैं जो जल्दी ही डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। आइसोडायमेट्रिक होती हैं जो आगे जाकर के किसी भी शेप में चेंज हो जाती हैं। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता क्योंकि वो फटाफट फटाफट उनको डिवाइड करना होता है। सेलुलर स्पेस का बन जाना इसका मतलब सेल ने अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट कर लिया है, अब उसकी डेली की यूटिलिटी की लाइफ वो कम्प्लीट कर रही है। क्लियर भाई? इसके अलावा जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड जल्दी हो जाती हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रिजर्व्ड फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस कंस्पेशियस होता है, मतलब हम न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, और ये सारा के सारे जो करेक्टर हैं ये मेरिस्टमैटिक सेल्स के करेक्टर हैं। इसके अलावा एपिकल के बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम पे। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम को हमने बताया था कि इट इज फाउंड नियर अबाउट द नोड एंड विच हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ द प्लांट हाइट विद इन द स्टेम। ओके, तो ये कहाँ से डेवलप होता है? ये एपिकल मेरिस्टम से ही डेवलप होता है। एपिकल चोटी पे रहता है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है वो प्लांट के बीच में रहता है, और ये भी प्लांट के ऑर्गन्स की हेल्प की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यस, और प्लांट जब मान लीजिए बारिश आ गई है और प्लांट बारिश एक्सेस हैवी रेन की वजह से प्लांट गिर जाते हैं, और उनको फिर दोबारा इरेक्शन में जो हेल्प करता है, प्लांट की जो स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम ही होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो गिरे हुए प्लांट जो होते हैं वो अपनी हाइट को अपने इरेक्शन को मेंटेन करते हैं। इट्स क्लियर? और ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? लोकेशन अगर हम देखें, एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड अबो एंड बिलो द नोड्स, तो इसका मतलब ये प्लांट की लेंथ वाइज हेल्प करता है। इसके बाद में है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम मतलब जो प्लांट की लेटरल ग्रोथ करवाता है, जिसकी वजह से प्लांट का जो गर्थ होती है वो गर्थ बढ़ती है। ओके, तो ये प्लांट के अंदर लेटरल मेरिस्टम की वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? सिर्फ इंट्रा फेस्किकुलर कैम्बियम मिलता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की गर्थ बढ़ती है। इट्स क्लियर भाई? और ये कहाँ कहाँ मिलता है? इट्स फाउंड इन द वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। आपको सिंपली याद रखना है अभी एनटीएससी के लिए कि प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, वो कौन सा होता है? इट इज द लेटरल मेरिस्टम, है ना। ये थोड़ा नीच लेवल की बात है कि ये किसमें मिलता है? डाइकोट एंड द जिम्नोस्पर्म स्टम के अंदर मिलता है, जो बीच में प्रेजेंट होता है फ्लोएम एंड जाइलम के। इसके अलावा ये था प्राइमरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टम से ही ओरिजिनेट होता है बाय द हेल्प ऑफ डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के बाद में जो प्राइमरी मेरिस्टम से सेल्स बनती हैं वो होती है सेकेंडरी मेरिस्टम की। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं, वास्कुलर कैम्बियम ऑफ द रूट, सिंपल बेटा। इसके अलावा इंट्राफेस्किकुलर कैम्बियम ऑफ द स्टेम, और इसके अलावा एग्जाम्पल आ जाता है आपका कॉर्क कैम्बियम का एग्जाम्पल आ जाता है। कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी बोलते हैं, और इसके अलावा वाउंड कैम्बियम का एग्जाम्पल आ जाता है, है ना, एंड द एसेसरी कैम्बियम ऑफ द मोनोकॉट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर नीट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनटीएससी वाले बच्चों के लिए इतना ज़रूरी होना चाहिए कि सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द परमानेंट सेल। कुछ परमानेंट सेल जो होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू बन चुका है उसकी बाद में ग्रोथ ज़रूरी होती है, और उनके अंदर दोबारा फिर एक्टिवेशन पावर आ जाती है, उनके पास डिवीजन पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो परमानेंट होते हुए भी बाद में डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है ना, प्लांट के अंदर डैमेज को रिकवर करने के लिए। क्लियर भाई? तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, इट्स डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टम बाय द एक्टिविटी ऑफ डी डिफरेंशिएशन। क्लियर भाई? तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने सिंपल प्लांट टिश्यू को किया है, जिसके अंदर हमने मेरिस्टमैटिक है, जिसमें एपिकल है, एपिकल में हमने कौन सा किया है, रैम और सैम एरिया क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टम। तो ये हिंट है भाई, इसको एक वीडियो को एक बार दोबारा फिर देख लेना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही मैंने बहुत कुछ बता दिया है, हो सकता है कि आपको इतना कैचअप ना हो फर्स्ट टाइम में, तो एक बार उसको दोबारा देखना। थैंक यू।